Hello, guys, me SK Mishra, and welcome you all in today's lecture of Periodic Classification of Element, lecture number five on your beautiful channel Mahendra's Private Limited. Okay? आज हम, of class 10th CBSE का 5 में हम बात करेंगे सो so इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार लेक्चर हमारे चैनल के प्ले में अवेलेबल है आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर के देख लें और आप ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करें डेट यू हैव प्रेस दैट रेड बटन ऑफ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन आल्सो सो लेट अस बिगिन अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ पॉइंट्स और किसी महान हस्ती का फोटो ये महान हस्ती और कोई नहीं जाने माने साइंटिस्ट हेनरी मॉसले हैं हेनरी मॉसले जी हाँ हेनरी मॉसले एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट जिन्होंने 1913 में पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दिया ठीक है ये पॉइंट जो दिया हुआ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वी मस्ट इंश्योर और आप अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट्स को देखिए सो so यहां पे कुछ दिया गया है कि हेनरी मोसले कौन थे तो एक इंग्लिश के फिजिसिस्ट हैं इनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इन्होंने कुछ लॉज दिए एक्सरे एक्सपेक्ट्रा से रिलेटेड सो so ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट लुक आफ्टर डेट ठीक है सो आज हम पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की ओर बढ़ेंगे और उस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन और अमेजिंग वीडियो ला सके ठीक है सो लेटस प्रोसीड फॉरवर्ड अब आगे बढ़ते हैं जी हाँ, तो देखिए इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ टेबल आपने बहुत सारे ऑफ मेंडलिप्स पेरियोडिक टेबल मेनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न डेट को रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विथ देयर एटोमिक नंबर मतलब मेंडली पेरियोडिक टेबल के रिजेक्शन के बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो कि नए नए पैटर्न्स को सर्च कर रहे थे ताकि वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को अच्छे से एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज कर सके ताकि उनका स्टडी करना इजी हो पाए सो वही आए साइंटिस्ट हमारे ब्रिटेन के 1913 में जो कि थे हेनरी मॉसले हेनरी मॉसले ने अपने पेरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में मॉडर्न पेरियोडिक लॉ दिया और पेरियोडिक टेबल देने में योगदान करने वाले पहले साइंटिस्ट हुए सो so, इन 1913 हंड्रेड एंड थर्टीन हेनरी मॉसले शोड दैट द एटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वाया अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट एटोमिक मास मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1913 में हेनरी मॉसले वो ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसके एटॉमिक मास से मतलब पहले बहुत सारे पेरियोडिक लॉ आए जो कि फेल हो गए क्यों फेल हुए बिकॉज दे हैव स्टडीड एंड को रिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विथ इट एटोमिक मास बट ट्स के, के प्रोपर्टी के स्टडी करने के कारण इनका पेरियोडिक टेबल काफी सक्सेसफुल हुआ जिसको आज हम लोग मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं सो so, आगे आप देखते हैं आगे क्या हुआ कि के लॉज को इन्होंने मॉडिफाई किया मेंडलिफ ने क्या लॉ दिया था कि पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट जो है वो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है पेरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास मतलब मेंडलिम ने अपने लॉज में कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ इट एटॉमिक मास इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए मास के जगह पे नंबर ऐड किया सो देखते हैं कि लॉ वाज मॉडिफाइड का लॉ जो था उसी में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया नया लॉ नहीं आया कुछ उसी में मॉडिफिकेशन किया गया एंड एटॉमिक नंबर वाज एडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का जो बेसिस था उसको लिया गया किसको तो एटॉमिक नंबर को हेनरी so मोसले ने क्या किया मॉडिफिकेशन के बाद एक नया लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल लॉ जो कि क्या था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देर एटोमिक नंबर मतलब क्या है मतलब इसका यह है कि जो भी पेरियोडिसिटी होती है एलिमेंट्स की पेरियोडिसिटी मतलब कुछ टाइम के बाद कुछ पोजीशंस के बाद जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, वो किसके वजह से होती हैं? तो एटॉमिक नंबर के वजह से। सो so, ये ऐसा करने वाले हेनरी मोसले फर्स्ट साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना माना और किसे माना एटॉमिक नंबर और चूंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर माना इस वजह से ही टेबल काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा वरना बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे डोबर्नियर आए न्यूलैंड आए मेंडली आए उन्होंने एक गलती की थी क्या गलती की थी कि मास को माना था फंडामेंटल बट मास तो एक सीरीज एक कुछ हद के बाद ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट नहीं करता जिसके वजह से वो सारे फेल हुए सो so, आगे अब देखते हैं कि वेन एलिमेंट आर अरेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर जब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटोमिक अरेज करते हैं जिस नंबर को हम लोग एटोमिकेड से रिप्रेजेंट करते हैं सो इट लीड एस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पेरियोडिक टेबल तो वो क्या करता है जब हम इस तरीके से अरेंज करते हैं किस तरीके से तो इंक्रीजिंग एटोमिक नंबर के बेसिस पे जब अरेंज करते हैं तो हमें मिलता है एक टेबल एक लॉन्ग फॉर्म टेबल का जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पेरियोडिक टेबल सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड व्हेन एलिमेंट्स आर ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है जब एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया जाए ना कि उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे बात समझ में आई कि क्या बात समझ में आया यहां कि किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को आसानी से हम तब प्रिडिक्ट करते हैं या फिर कर सकते हैं जबकि एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रेंज किया जाए अब एटॉमिक नंबर कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि क्या होता है तो एटॉमिक नंबर के विषय में अब क्लास नाइन में भी पढ़े हैं। वैसे हम अभी बताना चाहेंगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इट्स एटॉमिक नंबर जिसको कि हम लोग z से रिप्रेजेंट करते किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या एटॉमिक नंबर ठीक है तो एटॉमिक नंबर बात क्लियर हुआ अब आगे देखते हैं कि मौसले का एक्सपेरिमेंट क्या था आखिर उन्होंने किस बेसिस पे कोई आधार तो होगा जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे आते हैं क्या थ्योरम्स आते हैं पोस्टुलेट्स आते हैं तो उनका क्या होता है कुछ ना कुछ प्रूफ तो होता है तो इन्होंने इतना बड़ा लॉ दिया इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट को इन्होंने गलत साबित करते हुए एक नया लॉ दिया बोला मास नहीं है नंबर बेसिस से एटोमिक नंबर

सो so, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया ही फाउंड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे क्या है कि फ्रीक्वेंसी उसका जो था एक्सरे का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर सो ही फाउंड एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो रूट ऑफ वी जो कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जाती है अब आगे देखते हैं कि पेरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज ड्यू टू द अकरेंस ऑफ सिमिलर कॉन्फिग्रेशन मतलब पेरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक नियमित अंतराल पर रिपीट होना डेट इज कॉल्ड पेरियोडिक रिपीटेशन वो क्या हो रहा था आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू अकरेंस ऑफ सिमिलर कॉन्फिग्रेशन कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम थे इसी वजह से कुछ टाइम के बाद उनका जो प्रॉपर्टीज था वो रिपीट हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम कहने का मतलब है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा था और इसी वजह से एलिमेंट के प्रॉपर्टी सेम हो जा रहे थे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम जो कि एक ग्रुप में पाए जाते हैं जिनका एटोमिक नंबर तीन ग्यारह और उन्नीस है लिथियम का एटोमिक नंबर थ्री सोडियम का इलेवन एंड पोटेशियम का नाइनटीन इन तीनों का जब कॉन्फिगेशन लिथियम का कॉन्फिगेशन लिथियम में कॉन्फिगेशन किया गया है वन एस टू एंड टू एस टू तो फिर सोडियम टू एस टू वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन ठीक है तो देखिए ये तीनों में जो है लिथियम का क्या होगा वन एस टू टू एस वन तो इसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन फिर सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन एंड देन पोटेशियम के लास्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन इन तीनों में क्या है लास्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है डेट मीन कि इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा सेम होगा सो so, अब आगे देखते हैं कि मॉडर्न टेबल लुक आफ्टर द लिमिटेशन ऑफ मेंडली मैंडली टेबल अब बात आती है क्या कि आखिर मॉडर्न टेबल सक्सेस क्यों हुआ तो कोई भी टेबल कोई भी लॉ सक्सेस तब होगा जब वो पीछे वाले को झूठा साबित करेगा और हम यही तो देख रहे हैं कि पीछे वाले फेल हुए तो फेल कब होंगे जब पीछे वाले की कुछ खामियां कुछ गलतियों को ये सुधारेगा सो क्या क्या गलतियां थी जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ने मेडलिफ का सुधारा तो देखते हैं द दोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी नाउ डिस्कस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक भी कोई फाइनल नहीं हुआ बट कुछ हद तक इसके पोजीशन को फिक्स करने की कोशिश की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आने के बाद ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट्स आर नाउ अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जैसे पहले क्या होता था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया जाता था तो बहुत सारे आइसोटोप्स के पोजीशन को डिसाइड करने में दिक्कतें आई अब क्या होता है कि एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है जो isotopes, जो आइसोटोप्स सिमिलर एलिमेंट के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के तीन फॉर्म आपको मिलेंगे प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम है ना तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट तो अगर मास के बेसिस पे करते तो हाइड्रोजन को तीन पोजीशन देना पड़ता बट एटॉमिक नंबर तो सेम है इसका मतलब हाइड्रोजन को एक ही पोजीशन मिलेगा एलिमेंट तो एक ही है तो यहाँ पे वही हुआ कि एलिमेंट को अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस किए तो काफी हद तक हमें सक्सेस मिली नेक्स्ट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स अब जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे कैन टेक पोजिशन इन पेरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर एलिमेंट अब नए नए एलिमेंट अभी जैसे एक एलिमेंट है आज से तीन से चार साल पहले उनका संख्या 114 टू 115 था बट अब 118 हुआ तो हमें पता भी नहीं चला और जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर्ड होते गए उन सभी का क्या हुआ अरेंजमेंट होता चला गया तो यही बात आता है कि मॉडर्न लॉ मॉडर्न पेरियोडिक लॉ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के वजह से जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होते हैं जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको पेरियोडिक टेबल में आसानी से जगह मिल जाती है। ये so, ये तीन points है, ये तीन हैं, जिनको modern periodic table ने क्या किया sort out किया। और वजह से ही क्या हुआ कि पेरियोडिक टेबल सक्सेस की ओर बढ़ते रहा। सो आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है क्या ये पीछे वाले पेरियोडिक टेबल को कैसे करेक्ट किया और अब आगे इसके विषय में और हम क्या देखते हैं ठीक है so, सो आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से यू सो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन लाइक एंड कीप शेयरिंग आवर बीडियो लेक्चर सो अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल अब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल तो कुछ हद तक समझ में आया कि हाँ कोई एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ये आखिर इसका कुछ प्रॉपर्टीज तो होगा किसी भी चीज का प्रॉपर्टीज़ तो जानना जरूरी है बॉस सो so, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है तो देयर आर सेवनिजेंटल रोज नोन एज पीरियड मतलब मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो है इसमें सेवन हॉरिजेंटल रोज होते हैं सेवन हॉरजेंटल रोज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पीरियड डेट मींस मॉडर्न पेरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवन पीरियड्स ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स और इस पेरियोडिक टेबल में मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में क्या होते हैं कुल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको की हम लोग क्या बोलते, है? बोलते हैं ग्रुप्स बोलते so, सो यहां पे क्या हुआ सेवन पीरियड एंड 18 ग्रुप ये दो प्रॉपर्टी हुए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ईच पीरियड स्टार्ट विद अल्कली मेटल जो

ठीक है नेक्स्ट ईच पीरियड एंड नोबल गैस अब देखते हैं क्या कि हर एक पीरियड के लास्ट में नोबल गैस प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड के लास्ट में है फिर फिर है है के last में इस इस तरीके तरीके से से क्या हर एक पीरियड के लास्ट में क्या होता है नोबल गैस ठीक है एक्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ हीलियम इज वन एस ठीक है, जैसे कि लास्ट में जो होता है उन सभी का क्या होता है एन एस टू कॉन्फ़िगरेशन सिक्स होना चाहिए मतलब लास्ट में जो भी नोबल गैस प्रेजेंट होता है लास्ट पीरियड के एंड में उन सभी के आउटर मोस्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन डेट मीन कि हीलियम जो है अपना ड्यूपलेट पूरा करता है ड्यूपलेट का मतलब क्या हुआ सर तो जो भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस ऑर्बिट में वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है उसको बोलते हैं डुप्लेट और जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टेट तो बाकी सारे जो नोबल गैस है टोटल हमारे पास कितने नोबल गैस है सिक्स उसमें से जो हमारा हीलियम है हीलियम को छोड़कर के बाकी सारे पांचों के पास आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हीलियम के पास दो ठीक है अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आखिर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के पोजीशन को दिखाया गया है दिया गया है कि मेटल्स कहां रहेंगे नॉन मेटल्स कहां रहेंगे मेटलॉइड्स कहां रहेंगे तो किस आधार पर दिया गया है और कहां कहां किसको दिया गया सो so फर्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स इन ग्रुप आखिर ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया है सो ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप जैसा कि अभी हमने बताया कि एक ग्रुप में और हम क्या बोले तो बोले पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं तो एटीन ग्रुप्स तो एक पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं एटीन ग्रुप्स तो हर एक पीरियड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक पार्टिकुलर पीरियड ग्रुप्स में जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप इस तरीके से ग्रुप है तो जो एक पार्टिकुलर ग्रुप होता है उसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं हम तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के पास सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो ग्रुप्स होते हैं उनके पास क्या होता है सारे के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं

अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल इनक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो सेल्स बढ़े जाते हैं sales की संख्या क्या होती है बढ़ते चली जाती है इसके वजह से नीचे जाने के दरमियान सेल एटम का साइज भी बढ़ता जाता है अब सेल मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे एस वन एस टू इस तरीके से कुछ लिखा होता है एस बोलते हैं ना जिसको या फिर के एल एम एन से दिखाते हैं तो एक बाउंड्री और बाइटल ये क्या होता है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं और बढ़ता चला जाता है तो जैसे जैसे नीचे क्योंकि देखिए अब सबसे ऊपर मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का लिथियम है सोडियम है तो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन तो थ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए कि मात्र हम लोग फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग का दो इलेक्ट्रॉन आएगा और सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन तो कितना दो ऑर्बिट में काम खत्म उसी तरीके से नीचे आएंगे तो सोडियम तो इसका एटॉमिक नंबर होता है इलेवन सो so, इसका कॉन्फिगेशन करेंगे तो होगा क्या टू एट और वन तो इसके लिए कितना चाहिए तीन ऑर्बिट तो इस तरीके से क्या होता है जैसे जैसे हम लोग एक ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं क्या होता है कि सेल्स का संख्या बढ़ता चला जाता है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स को रखने के लिए मोर नंबर ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है अब बात करते हैं एलिमेंट्स इन पीरियड मतलब पीरियड के अलाग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे किया गया और किस पोजिशन पे किस रखा गया सो एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ सेल क्या बात की है कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें नीचे जाने से क्या होता है कि सेल्स की संख्या बढ़ते चली जाती है सेल बड़ा होता है एटम का साइज बड़ा होते चला जाता है बट एक पीरियड का बात करें कि लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जैसे फर्स्ट पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सभी एलिमेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ सेल होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट का बात करें फर्स्ट और पीरियड का बात करते हैं तो एक साइड में हाइड्रोजन और सेकेंड साइड में हीलियम अब एक जो ऑर्बिट है वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है तो फर्स्ट ऑर्बिट तो इलेक्ट्रॉन को अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन तो उसके लिए तो एक ही ऑर्बिट काफी है उसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक नंबर टू और मैक्सिमम टू तो एक ऑर्बिट रख ही सकता है फर्स्ट वाला तो हीलियम भी एक ही ऑर्बिट में काम चलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि right लेफ्ट से राइट right जैसे जैसे बढ़ते हैं ठीक है हाइड्रोजन से गए तो हीलियम तो हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन हीलियम में जाएंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा दो इसी तरीके से नीचे वाले में सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम फिर बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरीके से जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम लोग एक पीरियड में बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल एक एक यूनिट से बढ़ता चला जाता है ठीक है जैसे सोडियम के लास्ट में है एक इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से सोडियम के बाद मैग्नीशियम के लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बढ़ता चला जाता है फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम एल्मोनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन ये सभी सभी के थर्ड पीरियड से हैं और जैसे, जैसे जैसे सोडियम है सोडियम का एटॉमिक नंबर सभी जानते हैं इलेवन होता है तो इसका जब कॉन्फिगेशन करेंगे तो जैसे के से से बोर्स स्कीम से जब करेंगे तो क्या होगा टू इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में सेकेंड ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन तो हो गया दस और बचा एक जो कि थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो यानी आठ दो दस और एक ग्यारह इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट में इसका कितना आया एक इलेक्ट्रॉन फिर मैग्नीशियम में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर हो गया ट्वेल्व तो इसके लिए लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन फिर एलमोनियम में तीन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है जब लेफ्ट टू तो राइट मूव करते हैं नेक्स्ट आते हैं इच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेल गेटिंग फील्ड अब नया जैसे पीरियड स्टार्ट होता है जिसे फर्स्ट पीरियड था तो फर्स्ट पीरियड में जो भी होगा तो क्या होगा वन एस वन वन एस टू लेकिन सेकेंड पीरियड में आएंगे तो टू एस वन टू एस टू जैसे जैसे नीचे पीरियड के लोग बढ़ते हैं तो सभी का क्या होता है फर्स्ट हो तो तो पीरियड मतलब के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन कहां से शुरू होगा वन से वन एस वन वन एस टू और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दो इलेक्ट्रॉन इसी वजह से फर्स्ट पीरियड में दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड पीरियड तो के 2S2, 2P6. तो के क्या हुआ S2 और P6, मतलब टोटल नंबर और 2, 8. मतलब छकेंड पीरियड में क्या होगा आठ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसी तरीके से थर्ड में देखिए तो थ्री एस टू मतलब थ्री से स्टार्ट हुआ तो क्या होता है जैसे जैसे हम लोग पीरियड के नीचे बढ़ते जाते हैं तो एक एक नया नया उसमें सेल ऐड होता है और नया नया पीरियड जेनरेट होता है जैसे फर्स्ट पीरियड में है तो वन एस वन सेकेंड में गए तो टू एस टू थर्ड में गए तो थ्री एस टू फोर्थ में गए तो फोर एस टू फिफ्थ में गए में गए सेवेंथ पीरियड में गए तो सेवन एस टू क्या देख रहे हैं कि वन वन के बाद टू जिस तरीके से नीचे नीचे पीरियड में बढ़ते जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि नया नया पीरियड जेनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड

ठीक है देख रहा है यहां पे फोर एस टू थ्री डी टेन फोर पी सिक्स मतलब टू और टेन ट्वेल्व और सिक्स इस तरीके से क्या हो रहा है तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेकेंड और थर्ड लार्ज फिर उसी तरीके से लार्जेस्ट एंड देन इनकम्प्लीट अब बात करते हैं ट्रेंड्स की मतलब इसमें क्या चलन है पेरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स क्या है क्या फॉलो करता है आखिर कि किस बेसिस पे अरेंजमेंट तो सबसे पहला ट्रेंड हम देखेंगे वैलेंसी का

कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है उसी को बोलते हैं वैलेंसी बात समझ में आई ठीक है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिटरमाइन करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अब आपको कोई बोला कि कोई एक एलिमेंट लेट्स से सोडियम दे दिया या कार्बन दे दिया पूछा इसका वैलेंसी बताओ तो क्या करेंगे बस आंख बंद करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर डालेंगे चाहे जैसे करें दो स्कीम है हमारे पास दो फीचर्स है एक है बॉर्स ब्यूरी स्कीम जिसको आप पढ़े होंगे क्लास नाइन्थ में के एल एम एन और दूसरा आता है एसपीडीएफ कॉन्फिग्रेशन तो वो दोनों में से कोई एक के थ्रू क्या करेंगे हम लोग कॉन्फिग्रेशन कर डालेंगे और जैसे कॉन्फिग्रेशन की तो लास्ट

तो एटीन तो एन ग्रुप्स है तो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ऊपर से नीचे तक देख लीजिए तो उन सभी का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा सेम होगा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी सबका वन होता है उसी तरीके से लास्ट में चले जाइए ग्रुप तो सभी के सभी नोबल गैस है डेट मीन उनका वैलेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जीरो वैलेंसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है पूरा फिल इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी का वैलेंसी क्या होता है सेम होता है ठीक है अब सेकेंड ट्रेंड इसमें क्या कहता है कहता है कि इट इंक्रीजेस बाय वन यूनिट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मतलब अगर हम लोग पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो वैलेंसी है वो क्या होता है एक यूनिट से बढ़ता है ठीक है अब सेकेंड ट्रेड पे आते हैं जो कि है एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज बोले तो एटम का साइज साइज ऑफ एटम सो सर्कल का एक का रेडियस है पांच सेंटीमीटर और दूसरा एक सर्कल है जिसका रेडियस है दस सेंटीमीटर अब कोई पूछे आपसे कि कौन सा सर्कल बड़ा है तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा जिसका टेन सेंटीमीटर वाला रेडियस समझ में आया

रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट मतलब एक न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर हम सभी जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस तो उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है किसी भी एटम का उसी को बोलते हैं टॉमिक रेडियस और ये जो है अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकता है जो सबसे छोटा रेडियस होता है वो होता है किसका हाइड्रोजन का इस तरीके से आपका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाता है इट इज ऑफ थ्री एटॉमिक रेडियस है आपका तीन तरह का होता है एक को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस 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 मेटेलिक एंड वंडरवाल ये आपका अभी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आप हायर क्लासेस में इसको इलेवेंथ में पढ़िएगा सो so, ये तीन तरह का होता है एटॉमिक रेडियस पहला कोवेलेंट रेडियस सेकंड मेटेलिक रेडियस एंड देन थर्ड वंडरवाल रेडियस अब आते हैं इसका ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज का सो इट डिक्रीजेस मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड ये लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे घटता है एटॉमिक साइज मतलब एटम लेफ्ट से राइट right, जैसे जा रहे हैं हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ तो एटम छोटा होता जाएगा लिथियम से बेरिलियम बोरॉन इस तरीके से जाएंगे तो एटम छोटा होता जाएगा क्यों छोटा होगा एज डिक्रीज इन साइज एलोंग अड इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सक्से और नीचे नीचे बढ़ते हैं तो सेल एड होता जाता है मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है बट एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कीजिएगा तो वहां पर कोई सेल का एडिशन नहीं होता बल्कि क्या होता है कि इंक्रीजमेंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है अपने तरफ खींचने लगता है क्यों क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरेट होता है और बढ़ता चला जाता है तो इस वजह से क्या होता है एटॉमिक साइज घटता है तो यहां पे याद रखना है एटॉमिक साइज का ट्रेंड कि वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटोमिक साइज डिक्रीजेस सेकेंड आते हैं एटोमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस एज वन ज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है सेल एड होता जाता है जैसे फर्स्ट पीरियड में बात किए थे वन एस टू सेकेंड में बात की टू एस टू थर्ड में थ्री एस टू मतलब फर्स्ट पीरियड में वन से शुरू सेकेंड पीरियड में टू तो क्या हो रहा है सेल बढ़ता जा रहा है सेल का संख्या बढ़ रहा है तो अब क्या होगा की एक बाउंड्री था उसके चारों तरफ और सेल और सेल एड होते जा रहे हैं तो ऐड होने की वजह से क्या होगा सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा सो एज इंक्रीज इन साइज ऑन डिक्रीजिंग ग्रुप इज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल विच आउटवेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा हुआ है उसको उसके इफेक्ट को कम कर देता है कौन एडिशन ऑफ जैसे जैसे नया नया सेल होता चला जाता है तो क्या करेगा जैसे करता है अब मान लेते हैं कोई किसी को खींच रहा है बहुत जोर से अब उसके बीच में कोई दीवार आ गया तो खींचने का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा सेम वही हो होता है कि जैसे जैसे सेल बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है और एटम का साइज बढ़ने लगता है ठीक है तो ये रहा दो ट्रेंड देखे वैलेंसी और एटॉमिक साइज अब आते हैं लास्ट ट्रेंड और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है मैटेलिक ऑफ़ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल सो मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम अनलोकेटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेरियोडिक टेबल मतलब जो मेटल है सोडियम मैग्नीशियम ये सारे वो पेरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल जैसे कि सल्फर हो, हो right पेरियोडिक टेबल दिया होगा तो वहां पे देखिएगा कि अलग अलग कलर से दिखाया गया है डेट मीन कि मेटल को दिखाया गया लेफ्ट साइड ऑफ पेरियोडिक टेबल और नॉन मेटल्स को दिखाया गया है राइट साइड ऑफ पेरियोडिक टेबल देन जो मेटेलॉइड्स होता है जैसे सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम हो गया एंटीमोनी हो गया ये क्या होते हैं ऑल दीज आर बाउंड्री लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल अब कौन डिसाइड करेगा कि टेबल का क्या लेफ्ट है क्या राइट right? तो बीच में एक बाउंड्री लाइन तो चाहिए तो जो मेटेलॉइड्स होते हैं जैसे कि आर्सेनिक हो गया सिलिकन हो गया जर्मेनियम हो गया ये मेटल और नॉन मेटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट right. और लेफ्ट में मेटल होता है राइट right में नॉन मेटल होता है देन आते हैं एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अक्रॉस पीरियड टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज करता है तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आसानी से लूज हो जाएगा आसानी से लूज होने में उनको बहुत परेशानी होगी डेट मीन्स कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज क्यों डिक्रीज भाई क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या हो रहा है कि हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है घट रहा है मतलब अब उसका सील्डिंग जो हो काफी ज्यादा मजबूत हो गया मतलब अट्रैक्शन काफी कम हो गया तो इस वजह से मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है घटते चला जाता है ठीक है आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक हैं मतलब ट्रेंड्स ट्रेंड्स देख रहे हैं एंड नॉन इन टेबल मेटल के बारे में बताएं कि कहा होता है मेटल लेफ्ट साइड में होता है नॉन मेटल जो होते हैं राइट right साइड में होते हैं और मेटेल जो होते हैं उन दोनों के बीच के बाउंड्रीज लाइन्स को कहते हैं फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो टेंडेंसी लूज करने का इलेक्ट्रॉन का घटते देन नेक्स्ट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन का इट कैन बी लॉस्ट अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा मतलब आप अट्रैक्ट नहीं कर सकता तो आसानी से लूज करेगा सो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड अब क्या होता है जैसे जैसे हम लोग पीरियड के लॉन्ग मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा अब बोले क्या कि लेफ्ट में मेटल है और राइट right में नॉन मेटल है इसका कहने का क्या मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट right जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा मतलब लेफ्ट में ज्यादा right मेटल्स वाले होंगे और राइट में नॉन मेटल वाले ज्यादा होंगे ठीक है और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो नीचे की ओर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब फर्स्ट पीरियड में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होता है सेकेंड पीरियड का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है थर्ड पीरियड का और ज्यादा फोर्थ पीरियड का और ज्यादा मतलब जैसे जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है ठीक है सो so, अभी हमने क्या देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया इसके क्या क्या लॉज हैं इसके प्रॉपर्टीज देखें और इसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं ट्रेंड्स आपको मेनली याद रखना है कि इसमें कुछ कुछ ट्रेंड जैसे वैलेंसी ट्रेंड का बात की है टॉमिक रेडियस का बात की है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बात की है तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स ऑफ पेरियोडिक टेबल वो आपको याद रखें सो so, ये आज का हमारा रहा लास्ट लेक्चर ऑफ पेरियोडिक टेबल आज पेरियोडिक टेबल हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ सो आप तब तक वेट कीजिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप कमेंट कीजिए सो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर लेक्चर और आप सभी को मैं फर्स्ट टू फोर्थ लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप इस थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर